जय माता दी सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर होगी। आज का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था भाई, हमारे सब्सक्राइबर एक संजय चौहान जी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था भाई जी एक वीडियो कुल के सेवादार के बारे में बनाओ, एक जिन्हें कुल में पहले गद्दी थी 2-3 दिन पीढ़ी पहले, बट अब सेवादार का मालूम नहीं ना शक्ति का मालूम, कौन सी शक्ति उनके साथ चलती थी कौन सी नहीं, और सेवादार और पितरों में क्या फर्क होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई जी संजय भाई जी, तो इसके ऊपर मैं आज पूरी खुल के वीडियो लेके आया हूँ। जिन जिन भाइयों के साथ ये समस्या है कि उनके कुल में गद्दी चलती आ रही थी पर अब घर में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर पहले गद्दियाँ चलती दादा पर दादा आपकी गद्दियाँ लगाते थे ऊपर वो सेवादार है, या उनकी शक्तियों के बारे में नहीं पता, कैसे पता कर सकते हैं उनकी शक्तियाँ कौन सी थी कौन सी नहीं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपका अपना विकास दिया दिल्ली दरबार से, अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिससे हम एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं। एनजीओ का मतलब कि हम गरीब बहनों की शादी करा सके, और जो भाई रोड पे सोते जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनकी हम हेल्प कर सके। इसमें आपको करना क्या है, खाली एक सहयोग करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेते हो, जब जब हम लाइव आते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ के अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमसे लाइव में जुड़ के ले सकते हो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता ना कुछ और लगता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आप और हम मिलकर जल्दी से एनजीओ ओपन करेंगे और दुनिया का भला करेंगे, साथ मिलकर करेंगे ना, टीम वर्क। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे जब भी आपको एक चीज एक इन्फॉर्मेशन समझ आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सेवादार होता कौन है, क्या सेवादार हमारा पितर भी हो सकता है? तो ये बिल्कुल हाँ है भाई, सेवादार आपका पितर भी हो सकता है। और सेवादार में और पितरों में फ़र्क क्या होता है, पहले इस डेफिनेशन को, इस चीज़ को मतलब को समझ लीजिए। मंदिर में जो एक पंडित होता है जो सुबह श्याम मंदिर की साफ सफाई करता है, पूजा पाठ करता है, वो मंदिर का सेवादार है। ऐसे ही आपके घर में कोई मंदिर है, उसमें प्रतिदिन कोई एक बंदा डेली उसमें झाड़ू निकालता है, साफ सफाई करता है, जोत बत्ती करता है, तो अपने घर के मंदिर का सेवादार है। एक परिवार हो गया, परिवार में एक पितर का स्थान दे रखा है, पर उस परिवार में से एक ही परिवार उसकी साफ सफाई करता है पितरों की, तो वो सेवादार हो गया। जो अपने दरबार की देख रेख करता है, जो इसके नाम से गद्दी चलती किसी में सवारी आती है वही उसकी देख रेख करता है, तो वो गया सेवादार। पितर और सेवादार में करता है, पितर होते जो अकाल मृत्यु जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, या फिर ऊत पितर जिनकी शादी नहीं हो रखी होती और वो एक्सपायर हो जाते हैं किसी कारणवश वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने शादी नहीं की, तो वो ऊत पितर कहलाते हैं, जिनकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। एक होते हैं भाई जिनकी शादी होगी पर बच्चे नहीं हुए, वो भी पितृ योनि में जाते हैं। अच्छा, पितर बच्चे होने में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। अगर बंदा सामने है हमारे और एक्सपायर हो गया, उसको एक लड़की थी, उसका कुल आगे ना बढ़ने, उसको लड़का नहीं था, तो वो भी पितृ योनि में ही जाएगा। अगर उसको लड़का है तो फिर वो पितृ योनि में नहीं जाते, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनको शुद्ध करना पड़ता है, उनकी मुक्ति करानी पड़ती है। तो ये तो हो गया हमारे पितर। अब सेवादार और पितर कैसे हमारा एक हो सकता है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। कोई पितर था हमारा, कोई सेवादार था, वो साफ सफाई कर रहा था मंदिर की, सारी चीज़ कर रहा था, वो किसी कारणवश, ऐसे तो होते नहीं, बहुत कम, बहुत रेयर चांस होते हैं जो सेवादार होते हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है, पर कोई जलने वाले आज एक से एक है जिनके पास गुरु का हाथ नहीं होता, या वो गद्दी चला रहे होते हैं और उनके गुरु का हाथ नहीं होता, या फिर किसी कारणवश उनकी शक्तियाँ इधर उधर बांध दी जाती है, कुछ कर दिया जाता है, या उनको किसी चीज़ का सिद्धि करते हैं समय कोई चीज़ उन पर अटैक कर जाए, शरीर बांधने का मंत्र ना हो उनके पास, किसी चीज़ का मंत्र ना हो, पर हाँ सेवा वो कर रहे थे, उठा रहे थे, और कोई ऐसी चीज़ उनके ऊपर अटैक कर जाए, उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो वो सेवादार होता है, वो पितृ योनि में भी जा सकता है। तो सेवादार पितर एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। पितर आपके अलग हो, उनकी अपनी आई गए हो, या किसी कारणवश सेवादार हो या अलग हो, ये दोनों में भाई आपको हिसाब लगाना है कि सेवादार आपका एक है या दोनों अलग अलग है, वो आपको देखना है। कोई सेवादार ऐसा भी होता है भाई जिनके ऊपर शक्तियाँ ना आती हो, खाली साफ सफाई कर रहा हो सेवादार तगर का, और उसके ऊपर भगवान ने खुश होकर सारी चीज़ कर दिया हो, और जो बस सेवादार ही हो गया जिनके ऊपर शक्तियाँ आ रही, तो उनको मुक्ति का रास्ता अपने आप ही मिल जाता है, उनको अपने आप ही एक अच्छी शक्तियाँ उनके साथ चलती है, तो उनकी आत्मा को भटकने नहीं देती, बेशक उनकी अकाल मृत्यु आई हो या किसी भी तरीके से उनकी हुई हो, क्योंकि शक्तियाँ 24 घंटे ध्यान नहीं रखती, ध्यान हमारे पर नहीं देती, हम जो उनको याद करते हैं जब भी हमारे पास आती है, और ज़्यादातर ये मार वो बंदे खाते हैं जिनके गुरु नहीं होते, जो बिना गुरु के शिष्य होते हैं, नई नई साधनाओं में बैठ जाते हैं जिनका ज्ञान नहीं होता। आजकल यूट्यूब पर इतनी साधनाएँ दे रखी है ना, तो उनको ये बता रखा है इसका नुकसान क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ना इसका कुछ और बता रखा। आजकल लोगों को, मैं कल एक वीडियो देख रहा था करण पिछासनी की साधना, भाई कितना साइड इफेक्ट आपको जीवन में उसका आपको दिख सकता है, कितना नहीं, बस बताने से मतलब है। तो YouTube से देख देख के लोग साधनाएं करने लग जाते हैं, फिर उनका क्या परिणाम होता है क्या नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं,
बस कर लो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, फिर लाइफ में भाई मेरे घर में ये दिक्कत आ गई, मेरे घर में वो दिक्कत आ गई, मेरे घर में ये दिक्कत आ गई। अब आ जाते भाई आपके कुल में, आपके कुल में कोई गद्दी लगा रहा था, जैसे आपके दादा गद्दी लगा रहे थे और आपके परदादा गद्दी लगा रहे थे, तो उनकी शक्ति आपके पास आ सकती है क्या, उनकी शक्ति आपको परेशान कर सकती है क्या? नहीं। इसमें दो रीजन होते भाई जी, या तो आपके कुल में जो आपके दादाजी थे या आपके परदादाजी से जो गद्दी लगाते आ रहे थे, पीढ़ी टू पीढ़ी गद्दी आ रही है, उनके बाद उन्होंने कोई शिष्य ऐसा बनाया हो जिसके ऊपर उसने हाथ रखा हो आपके दादाजी ने, तो वो सारी शक्तियाँ जो आपके दादाजी की थी वो उस शिष्य के साथ चली जाती है, उस शिष्य के साथ मिलकर कार्य करने लग जाती है, तो उस घर में आपके घर में कोई परेशानियाँ नहीं आती, नहीं वो शक्ति आपके घर में कोई कार्य करती है, फिर वो अगले के लिए कार्य करती है। हाँ, कभी कभी गेड़ा मारने के लिए आ जाती है कि हमारे गुरु का घर था, मतलब हमारे जिस के साथ हम चले थे उनका ही घर था, वो देखने के लिए आ सकती है, आपकी रक्षा करके लिए आ सकती है, पर वो आपके साथ नहीं चलेगी। उनके रहते हुए हाँ रास्ता बंद हो जाए, कोई और भगत है फिर उस घर का रास्ता बंद कर दे, तो शक्ति आना थोड़ी खींच करे, पर जिसके ऊपर आपके दादा ने परदादा ने जिसके गद्दी लगाते हैं उनके ऊपर हाथ टेक दिया था, तो शक्ति उनके लिए ही कार्य करेगी। दूसरी बात आ जाती है अब कि आपके दादा जी ने जो गद्दी लगा रहे थे, कुल में गद्दियाँ चलती आ रही थी, किसी के ऊपर हाथ ना रखा, किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, वो गद्दी है फिर ऐसे की ऐसी चलती रही, और जो नई जनरेशन आई उन्होंने ना तो गद्दी का स्थान दिया, गद्दी का स्थान दिया, ना किसी को ये पता कि कौन कौन सी शक्तियाँ चल रही थी, ना कौन ये पता कि क्या क्या शक्तियाँ साथ चल रही थी हमारे घर में और किन के ऊपर क्या आ रहा था क्या नहीं, हमारे बस ये पता है कि गद्दी लगती थी। तो उस घर में क्या होता है, उन घर में परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कैसे करना पड़ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकते हो चाहिए स्थान, किसी का शरीर भी चाहिए जिनमें आके वो खेल सके, सारी चीज़ कर सके, वो दादा के लड़के हो गए या दादा के पोते हो गए, तो किसी ना किसी का शरीर चाहिए। इफ दादा के दो लड़के थे, दोनों के परिवार में से किसी ना किसी एक घर में तो आएगी, वो पहले जगह देखिए किसके घर में, फिर परिवार दोनों दुखी रहेंगे। एक परिवार अगर गद्दी दे देता है तो दोनों परिवार ठीक हो जाते हैं, अगर दादा के दो लड़के थे तो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो परेशान जब तक दोनों रहेंगे जब तक उस गद्दी को स्थान नहीं मिलेगा, उस शक्ति को स्थान नहीं मिलेगा, उनकी गद्दी को उनका स्थान दिया करो। कई एक भाई था मेरे पास, मेरे पास का ही था जाने वाला, तो उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन उन्होंने भी किया था कि मेरे दादा बावरियों की चौकी लगाते थे, अरे जब आप उनका भोग प्रसाद देते हैं, हम जब भी चौकी उनकी लगाते हैं, गद्दी उनकी लगाते हैं, और जिन उनको गद्दी को उठा के रख देते हैं, जिस दिन हम भोग प्रसाद देते हैं उस दिन तो घर में खुशी रहती है, और जैसे हम चौकी को उठा के रख देते हैं तो हमारे घर में फिर वही हाल हो जाते हैं। तो मैंने उनको समझाया था भाई ऐसा कभी मत करना, गद्दी का स्थान दो, क्योंकि शक्तियाँ जब भी आती है घर में सारी चीज़ आती है, तो उनको बैठने के लिए स्थान भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, तो पूरे दिन आपके साथ रहती है शक्तियाँ, सारी चीज़ करती है, आपके लिए कार्य भी करती है, फिर उनको शरीर में ये नहीं पता भाई कौन सी शक्तियाँ साथ चल रही है कौन सी नहीं आपके साथ, तो उस चीज़ को कैसे पता किया जाए? तो जो शक्ति आपके साथ चल रही है वो आप अपना पूजा पाठ डेली की पूजा पाठ करोगे, गायत्री मंत्र का अपना जाप करो, अपने पितरों के मंत्र का जाप करो, तो पितर जो आपके होंगे वो आपके सामने खुद ही लेके आएंगे कि आपके घर में ये शक्तियाँ कार्य कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी कुलदेवी कुल देवता अपने पितर देवता इस देवता का ध्यान करके जरूर चलो, क्योंकि यही चार शक्तियाँ जो और शक्तियों को सामने लेके आएगी आपके और आपको रास्ता दिखाएगी। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। मैं आपका अपना विकास दिया दिल्ली दरबार से, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें सभी जानने वालों में ये वीडियो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि शक्तियाँ को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। कुल देवी कुल देवता इस देवता पितर देवता यही चार शक्तियाँ जो घर की और शक्तियों को सामने लेके आएगी। आपके दादा ने भी कोई सिद्धि की होगी तो सबसे पहले इन्हीं की सिद्धि की होगी, आपके पूर्वजों ने जो सिद्धि की होगी तो सबसे पहले इन्हीं की सिद्धि की होगी, और ये सिद्धि आप कर लेते तो आपके सामने सारी शक्तियाँ घर की आने लग जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हर कमेंट में शिवरात्रि आ रही है तो हर हर महादेव, हर घर महादेव, जयकारा लगाए, जरूर जाना, बोलो सच्चे दरबार की जय।